સૂર્ય પાછા પડી તો અમને પડા ના આ બધું આ બધું ફેરે વધારે મેરી પ્રેઝન્ટ ની ઓર પીછે ને આ બધું જો હે નું છે મને તો ઉસકે બાદ કે અરે અબ અબ તુમ્હારી બંદગી તો હમ બંદગી કરતે હૈ ઓર હમ બંદગી કરેંગે તો અલ્લાહ કે સાથ એસે મુમકિન એસે નહીં હો સકતા કે આજ તો બંદગી કરેંગે કલ નહીં કરેંગે તો યે દોનો તરફ ઇસ્તેમાલ કરતો રહો માયો અબ યહાં પર આ રહા હૈ રાઈ તા यहाँ पर इसके माध्यम क्या है रा हमजा या रा हर लफ्ज जो होता है चाहे वर्ब हो चाहे नाउन हो हर लफ्ज की जो बेसिक्स होती है वो रूट वर्ड्स होते हैं रूट लेटर्स होते हैं वो तीन होते हैं फेल के अंदर भी और इसिम के अंदर भी अमूमन ऐसा होता है हरूफ के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है मुमकिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अब यहाँ पर रा हमजा या है अगर हम यहाँ इसको गौर से देखें तो रा हमजा या इससे एक लफ्ज बनता है रोई रोई के हलाल कमेटी रोई हलाल कमेटी का क्या काम होता है हिलाल को देखना हिलाल किसको कहते हैं चंद तो चांद को देखने वाली कमेटी देखना आंखों से देखना तो ये रुएत का जो लफ्ज है ये आंखों से देखने के लिए इस्तेमाल होता है और अकल से गौर व फिक्र सोचने के लिए भी इस्तेमाल होता है गौर फिक्र करना ही जमीन मायने में होता है अब यहाँ पर इसके साथ जो मैंने ये लिखा था जब ये ता आ जाए किसी वर्ब के साथ और ये वर्ब के साथ जब आएगा ये ता जब भी आएगा ये फास्ट में आएगा ये ध्यान में रखिए ती आएगा फास्ट में आएगा तू आएगा फास्ट में आएगा जितनी भी अलामतें आती हैं फेले माजी फास्ट के अंदर वो बाद में आ रही है और फेले मुदारे के अंदर जो अलामतें आ रही होती हैं वो शुरू में लाजिम होती हैं बाद में नहीं आती हैं और शुरू में लाजिम होती हैं तो ये पहचान है या का अली बोलना कोई फेले मुदारा हो नहीं सकता कि जिसकी इब्तिदा में चार हरफ ना आ रहे और फेले माजी के अंदर वो भी वर्ग है उसके बाद में हम देखेंगे जो लेटर लग रहा है उसको हम समझेंगे क्या है इस तरह से मुराद होता है टू मुजक्कर टू मुजक्कर अब रोहित राया जो है रोहित से बना रायत मैंने देखने का गौर फिक्र कर दिया तो ता से मुराद है तू तो यहाँ क्या तर्जुमा होगा क्या वो तो अजीब का तर्जुमा होगा क्या और यहाँ पर रायत है का मतलब हुआ तूने और रायती अगर जेर से आ रहा है जिसका मतलब है तू मोहनस ने देखा और अगर यहाँ पर तू है इसका मतलब है मैंने देखा आमन तू मैं ही मान रहा है हदई तू मैं ही जान पा गई तो राय तू तूने मैंने देखा और राय का तूने देखा तो आ राय का क्या तूने देखा या गौर व फिक्र किया खिताब जो कर रहा है अल्लाह और खिताब जो है वाहिद का जब सिला आता है तो अमूमन खिताब उसी से होता है जो साहिल कुरान जिसके ऊपर नजूल हो रहा है उससे बात हो रही है यहाँ पर जो है खिताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये इस तरह के सीमा कुरान के अंदर मुतअद्दिद मुकाम पर इस्तेमाल हुआ और ये मौका का एक अंदाज है नाम लेके नहीं पुकार रहा है यहाँ नबी तूने देखा नहीं क्या आपने देखा क्या तुमने देखा गौर व फिक्र किया उसको की जगह मैं आप लिख देता हूँ गौरव बनाते हुए ना जैसे तो मैं आप ही हूँ होता है आगे मैं लेकिन जब अदब की बात होगी अल्लाह कह सकता है लेकिन जब हम पढ़ेंगे सही है कह सकते सही है जब हम तर्जुमा कर रहे हैं ना अभी हम तर्जुमा कर रहे हैं इसलिए जो हम अदब का ख्याल रखेंगे आपने देखा और कोई छोटा भी कोई बड़ा भी अगर आपका लग इस्तेमाल करता है तो ये जाए उसकी इज्जत उसकी अवजा अल्लाजी अल्लाजी के मतलब का मैं सोचा था कि ये भी क्या होता है मार्फत की किसी और अल्लाजी जो है मन और माँ तीन अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान में इस्तेमाल होते हैं
इसमें मसूरा कहते हैं, रिलेटिव नाउन, ये मिलाने के लिए होता है। अल्लाजी भी, माँ और मन भी, तीनों के एक ही मायने, लेकिन माँ और मन जो है उसका वाहिद जमा तस्निया एक ही है, मन और माँ बस। लेकिन अल्लाजी जो है इसका डुअल भी आता है, इसका प्लूरल भी आता है, और इसका मुजक्कर भी आता है और मोनस भी आता है। अल्लाजी वो के जो उस शख्स को या उसको यनहा, अब यहाँ पर या से शुरू हो रहा है, तो मैंने आपको बताया फेरे मुजारे के अंदर जो पहचान है वो चार हरूफ की पहचान है, ये तो लाजिम हो। अब यहाँ या से शुरू हो रहा है, उस या को अगर हम हटा दें, जब या को हम अगर हटा देंगे तो यहाँ पर लफ्ज़ क्या बचेगा हमारे पास, ये उर्दू का लफ्ज़ है ना, क्या बचेगा, ऐसे लिखे ना उर्दू लफ्ज़ नहीं, और नहीं क्या हुआ, नहीं के माने वो होता है उर्दू का माने, उर्दू का लफ्ज़ है ना अमर, और नहीं अमर क्या होता है, किसी मजबूत काम को रुक जाना, और नहीं क्या होता है, किसी काम से रुक जाना, ऐसे ही ना नहीं, तो ये वही है नहीं, लिखने का अंदाज है अरबी के अंदर, ये नहीं है। तो नहीं क्या है, किसी काम से रुक जाने का हुक्म, काम से रुक जाने का हुक्म नहीं है। तो यह रहा, अब यहाँ से मुराद होता है वो, जब भी आएगा शुरू में इसका मुराद होता है वो, और जब कहा आता है जिससे मुराद होती है, तो या हुई है फेरे मुजारे की बात, प्रेजेंट और फ्यूचर की, विचार आ रहा है, और अलीफ आता है जिसका मतलब होता है मैं, और नून आता है जिसका मतलब होता है हम। यहाँ जो बात हुई है फेरे माजी की है, ये पास्ट है, ये पास्ट है, और ये क्या है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसकी रामत शुरू में आ रही है। तो यहाँ से मुराद है वो, तो नहा मना करना कि आपने गौर व फिक्र किया कि आपने उस शख्स को देखा जो क्या करता है, मना करता है या रोकता है। अब किसको कहते हैं, और आप सर्दी माजे में से बंदगी क्यों होते हैं, इसी से बनता है, ये बात इसी की जमा है। अब तो अबुदन वाहिद ही, और वाहिद की पहचान भी यह होती है कि उसके साथ वाव नून नहीं आ रहा होता, अलिफ नून नहीं आ रहा होता, या नून नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वाहिद, तो अबुदन वरना अब नून होता, इबादुन होता। तो अबुदन एक बंदा, एक बंदे को वो रोकता है, एक बंदे को इजा, इजा क्या है एडवर्ब है, इज और इजा दोनों जो है एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दोनों इस जब आता है तो इसका मतलब होता है माजी की बात हो रही है, और इजा की जब बात हो रही है इसका मतलब है मुजारे की बात है, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। इजा सल्ला, सल्ला का जो रूट वर्ड है वो स्वाद नाम वाव से बना है, और ये वाव तब्दील हुआ। अरबी के जो वाबिल होते हैं इनके अंदर तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ये तो कभी पहचानना मुश्किल होता है। अमूमन वाव जो है अगर आखिर में आता है तो वाव हमेशा आखिर वाला जो है अमूमन फेरे मुजारे के अंदर क्या हो, या में बदल जाता है, अमूमन ऐसा होता है कि वाव या में बदल जाता है, या वाव में नहीं बदलता बल्कि वाव या में बदलता। इधर सल्ला, अब सल्ला जो है तहजीब के साथ है, सल्ला एक होता है सलिया, स्वाद लाम और यम, ये सल्ला, और एक ये सलिया, ये सलाया, ये सलिया। इसमें उसका फर्क ये है कि जब ये दरमियान में जेर आ रहा होता है तो इसके मायने होते हैं दूसर के अंदर दाखिल होते हैं, और यह बना सला यसलू से, सला यसलू होता है कमर को झुकाना, ये जो नमाज का अमल है इसके लिए इस्तेमाल होता है।
सला ये स्लू और ये सिलिया इसका सयासला नारंग रहता वो दाखिल होगा आग के अंदर। तो ये दोजक में दाखिल के लिए जो है ये पहली सवाल है। सल्ला, अब सल्ला क्या है? सला से बना। जब वो सला पैदा करता है उस शख्स को देखा तो वो रोकता है बंदे को, कब रोकता है? इधर सल्ला, जब वो नवाज अदा कर रहा होता है रोकने वाला कौन है, तो ये करैक्टर बताया जाता है। फिर ये हमें किससे पता चलता है? कुरान के साथ जब हम सुन्नत को जोड़ रहे होते हैं तो सुन्नत से हमें पता चलता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि एक ऐसा शख्स था, ये कौन था वहाँ। तो ये मक्की सूरतों में से एक सूरत है, इब्तिदाई वही नाज़िल हुई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम किया और दावत का काम किया तो रोकने वाले जो लोग थे उसके अंदर जब कभी भी दावत दी जाती है तो जो लोग जिस अकीदे पर कायम होते हैं वो समझ लेते हैं कि ये सही है। नई बात जब हो रही होती है तो उनको गिरा गुजरती है। उन रोकने वालों में तमाम के तमाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी शामिल थे, रिश्तेदार भी शामिल थे, रिश्तेदार भी शामिल थे। और वो क्या करते थे? बोलते थे जिस जगह पर कायम है हम वही अमल करेंगे। तो जब ये अमल हुआ वो नमाज अदा नहीं करा करते, उनका इबादत का तरीका कुछ और था। तो वहाँ पर उनके वक्त के जो पढ़े लिखे लोगों के अंदर था उमर नाम का आदमी, एक उमर की किताब था और एक दूसरा जो था अमर भी निशान था मेरे। तो ये लेकिन यहाँ पर जब भी इसकी बात होती है तो उसकी कुनियत से पहचानते हैं हम, जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को पहचानते हैं अबू लहब, तो वो था अबू जहल। और जहल जो था अबू किसके मायने में होता है? अबू के मायने हमेशा बाप के नहीं होते। देखिए गलत तशरीह है कि अबू जो है वो हाँ बाप के मायने। अब सैयद मौदूदी साहब का जो नाम है वो क्या? अबू आला मौदूदी, तो आला के बाप ऐसा नहीं है, आला वाले। तो वाला का मायने भी होते हैं अबू के। तो अबू जहल जो था जाहिलों का बाप या जाहिल वाला, दोनों मायने में इस्तेमाल होता है। तो वो अबू के मायने में था, अबू जहल का बहुत इलिम वाला था, लेकिन जब हक को तस्लीम नहीं किया तो फिर उसको खिताब में मिला अबू जहल का खिताब। यानी जो इलिम हासिल किया जाए, यहाँ बात कहती है इकरा बिस्मी रब्बी कर लेती, जब अपने रब के नाम से नहीं पढ़े कोई इलिम, तो यह ऐसा इलिम जो रब के नाम से शुरू ना किया जाए तो फिर क्या होता है उसका पढ़ने वाला उसका शुमार जाहिलों के अंदर, इसलिए वो अब जाहिल। उसके मुताबिक उसको जब पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरीका इख्तियार किए हुए और वो तरीका तो हमारे आबा औजाद का नहीं था, उन्होंने इस तरह की नमाज पढ़ते हैं रुकू सजदा कर रहे, तो बोला अगर ऐसा मेरे सामने किया तो मैं उसकी गर्दन लगा रखी खत्म कर दूंगा, गर्दन लगा रखी। अब मुझे आना एक मतलब ऐसा हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे और नमाज अदा करते हुए जब उसे पता चला तो वो आया वहाँ और आपके करीब पहुँचने की कोशिश की, आपके करीब पहुँच के चाहते थे कि आपको गर्दन का ख्याल रखें लेकिन पैर नहीं लग सकते और वापस लौट आया। जो देखने वाले थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या मामला है, भाई इधर आके बैठो यार, ये पंखा ले लो कहाँ लगाना है। तो गर्दन पे मैं पूछा भाई क्या हुआ, उसने बोला कि जब मैं तैयार रखने के लिए
देखी वो बंदा कौन था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इबादत के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, तो वो आप लेकर जब आए तो वो उसे देख कर पीछे हट गया और जो उसका इरादा था वो इरादे को पूरा नहीं कर सकता। इसके मुताबिक ये बारे में तफसील से पता चलता है कि जब वो नमाज अकरम अदा करता है और आई तो फिर वही आके क्या काना, अगर काना हो अगर होता मुझे नमाज पढ़ने वाला है, अगर वो हो हिदायत पर आओ या ये क्या है लेटर ऑफ कंजक्शन है आओ मिलाने के लिए होते या अभी आ गया अमर, पहले नहीं का लफ्ज आ गया और यहाँ पर अमर का, अमर जो होता है मस्बत काम करने के लिए होता है और नहीं जो होता है मनफी काम से रोकने के लिए या हुक्म देता है कि तकवा तकवे का परहेजगारी का शर्त के लिए आता है और हर कोई शर्त होता है मुस्तकबिल के लिए होता है, शर्त जो है ना मुस्तकबिल के लिए लगाई जाती है। अगर कज़्ज़बा तस्दीक से बनाए, एक होता है किस बगैर तस्दीक के, किस कहते हैं झूठ को, कज़्ज़बा यकज़िबु झूठ बोलना और कज़्ज़बा युकज़िबु कज़्ज़ाब ये झुठलाने वाला होता है। इन कज़्ज़बा अगर वो झुठलाता है भाव के माने और तवल्ला तवल्ला बने वली से और वली के जो माने होते हैं दोस्त भी होते हैं, लेकिन दोनों माने होते हैं दोस्ती भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। तवल्ला यानी जब दोस्ती करता है तो किसी के सामने होता है और जब वो फिर जाता है तो उसकी तरफ पीट हो जाती है, दूसरे के सामने चेहरा होता है। तवल्ला जो है और मुँह फेंकता है तो इसे उर्दू के अंदर कहते हैं लुगत इज़दाद जिद वाली, ऐसे मायने जो दोनों में आपस में जिद हो, दोस्त भी हो और दुश्मन भी। अंग्रेजी में कहते हैं हम जैसा आपको पता होगा कि ऐसे अल्फाज ऐसे वर्ब जो दो तरह के मायने पैदा करते हैं, मनफी भी मतलब है। तो यह मुंह फेंकता है। अब ये आज फिर वही सवाल है क्या नम जब आता है ना नफी के लिए आता है, हमेशा नफी के लिए आएगा और फेरे मुजारे से पहले आएगा और मुजारे की पहचान क्या या का अलिफ नून, तो यहाँ पर किससे शुरू हो रहा है या से, हमेशा मुजारे से पहले आएगा नम फेरे माजी, मुजारे को माजी के मायने को तब्दील कर देता है, मायने भी नहीं करता और तर्जुमा जो है मुजारे के बजाय माजी में करता है नम या नम। अब या को अगर हम हटा दें तो क्या बचा मेरे माने जाता और या लम वो जानता है। अब यह लम आ गया लम या लम क्या उसने नहीं जाना, कि अन्ना ये बेशक अल्लाह यरा, अब ये या से शुरू हो रहा है, या से मुराद क्या है वो अब राया ये रुए से बनाइए, लेकिन फेरे मुजारे तो तफयुरात है वॉवल्स के अंदर, रा हमजा या जो है उसके अंदर वो हमजा जो है वो गिर गया है, इसके कवानीन है कायदे हैं, उसको जहाँ कहीं भी कोर्स होता है ना इनको बिल्कुल आखिर में पढ़ाते हैं, जब पुख्तगी आ जाए फिर बताया जाता है, क्योंकि अभी तो ना मिक्सअप हो जाए यार ऐसा क्या हो रहा है कहीं गिरा रहे हैं कहीं लगा रहे हैं, लेकिन कायदे कवाइद है
कि बेशक अल्लाह देखता है। अल्लाह जो है देखता है, क्या वो नहीं जाना उन्होंने कि वो जो अमल कर रहा है वो जो उसके नबी को रोक रहा है और नमाज पढ़ने से मना कर रहा है और उसकी मुखालफत में जा रहा है, उसको नहीं देखता। और ऐसा काम जो भी कर रहा है और आज भी कोई रोकने वाला है, उस रोकने वाले को ये नहीं पता कि अल्लाह देख रहा है। ये कुरान के अंदर जब लाइन आता है, इसका पूरा एक चैप्टर है लाइन का, और इस चैप्टर के डेप्थ में जाने के बाद बता देता हूँ आपको। जब भी लाइन आए ना, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है कि इतनी ताकीद है कि कसम खाई जा रही है। जब लाइन आ जाए तो इसका मतलब कसम से, अल्लाह की कसम, ये मायने होते हैं। लेकिन जब तक हम उसकी चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ेंगे ना, तो वो बात समझ में आएंगे नहीं। लेकिन ये कर तो यही है। अब इसका तर्जुमा क्या होता है, मुहम्मद के आगर जब ये कही, जब वो ये नहीं कर तो पहले आया था, और यल कही ये नहा से बना है, नून हा या नहा, हमने भी पढ़ा था ना ये नहा। अब यहाँ से क्या आ गया, यल कही हो गया है, चूंकि लम की वजह से इसके ऊपर तमयुरात आएंगे, जल कही। अगर अलबत्ता अगर नहीं वो बाज आया नहीं वो रुका तो लालस फान। अब यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, अब अगर मैं किसी से पूछूं तो साथी हमारे पुराने क्लास में शामिल है, या लफ्स पान आपको तीन तरह से तकसीम कर देना हर लफ्ज़ की, या तो वो इसी में होगा या फेल होगा या हर होगा। तो लफ्स पान क्या है, आपको इसी नज़र आता है, फेल नज़र आता है या हर नज़र आता है, ये मुझे सब इसी में फेल है या हर है। फेल लग रहा है माशाल्लाह जी, दूसरा मेरा फेल, और फेल कभी तरमीम के साथ आता नहीं। कुरान के अंदर दो फेल इस्तेमाल हुआ है जो तरमीम के साथ आता, वरना तरमीम नहीं आती। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है, अब इसको मैं आपको लिख कर समझाता हूँ। लेकिन ये दूसरे कभी हाँ मैंने लिखा, और यहाँ पे ये लामे ताकी है, असल में ये था किस तरह से, इस तरह से और उसको पढ़ने में कोई फर्क है, दस पहाड़ पढ़ने में वही पढ़ा जा रहा है। कुरान ने इसी तरह की, तो हमने इसी तरह लिखी है। एक एक फ्रेम और आया था या कूनन, वो भी इसी तरह से लिखा हुआ तरमीन के साथ, वरना तरमीन जो है पहचान है कि ये नाम है, तरमीन हमेशा पहचान होती है नाउन। लेकिन दो वर्ड कुरान के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, लस्फान और लयकूनन, जो इस तरह से लिखे गए, इस तरह से इसे लिखे गए। तो लस्फान यहाँ पर क्या है, ताकीद, और नून जो है ये भी एक ताकीद है। अब यहाँ पर नून है सकील है, तो इस नून में इस नून का फर्क है, इसका मतलब जब ये सिंगल नून आएगा इसमें एक ताकीद है, और जब ये तशदीद वाला नून आएगा ये इसका मतलब डबल ताकीद, और एक ताकीद तो इसकी है लाम की, इसका मतलब ये दो ताकीद है और ये तीन ताकीद, यह शुरू है उदारे के अंदर ताकीद ज्यादा करते हैं। तो लाद मन हम क्या करते हैं, खींचेंगे सफा आगे स्लो खेचेंगे, तो लाद मन हम लाद मन दो मतलब हम लोग, एक ये ताकीद और एक ये ताकीद, देखेंगे फिर नासिया, नासिया जो है पेशानी को कहते हैं, तो पेशानी से तो नहीं पकड़ा जाता,
परेशानी के जो ऊपर भाव है, जो करीब करीब भाव होते हैं, इसमें ज्यादा ताकत होती है, इंसान काबू में आ जाता है। लड़ाई झगड़ा होता है ना बच्चों का, तो क्या करते हैं वो परेशानी वाले बात, पीछे वाले नहीं पकड़ते, बल्कि ये परेशानी वाले बात जब पकड़ते हैं तो काबू में आ जाते हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, खींचेंगे किससे, परेशानी के बालों से। अब इसकी जो है ये सिफत बताइए, और ये इसका जो बदल है वो उसकी सिफत बताइए। ये जो नासिया है उसकी दो सिफात बयान की है, वो नासिया क्या है, काजिबिन। अभी आपने कहा था काजिब, कैसे बता ना झूठ, अब ये ता गया इसका मतलब है झूठी, काजिब होता है तो झूठा, और काजिबा हो गई तो झूठी। तो ये नासिया कौन सी है, काजिबा है, झूठी है। और हाथिया